CS रैंक के डुओ एक्टिव स्किल को ऑन करने के बाद जब आप चाहते हो गेम के अंदर दो दो एक्टिव स्किल लेके आ जाते सामने वाले बंदे, हम जीत नहीं पाते यार, करे तो करे क्या, ये समस्या है। कुछ मत करो, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो। 15-20 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे कैरेक्टर्स और उसके साथ साथ कैरेक्टर को यूज करने का तरीका, साथ ही मैं उस वाले कैरेक्टर से बचने का तरीका भी बताऊंगा। ये पूरा वीडियो डुओ एक्टिव स्किल्स के ऊपर है, तो अगर आप CS रैंकेड में डुओ एक्टिव स्किल्स के हर एक मैच को विन करना चाहते हो वीडियो को एंड तक देखना। दो तीन दिन से इसी को खेल रहा हूँ मैं, कैरेक्टर्स पे PhD कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने, सारे टिप्स इकट्ठा करके लाया हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, तो दिल से बुरा लगेगा यार। थैंक्स। सबसे पहले बात करते हैं दिमित्री कैरेक्टर के बारे में। देखो ये कैरेक्टर पहले भी था, अपडेट से पहले भी था गेम के अंदर, लेकिन अपडेट के बाद ही लोग इसको ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं और डुओ एक्टिव स्किल वाले मोड में ही क्यों कर रहे हैं? सवाल बहुत अच्छा है। यू आर अ गुड क्वेश्चन। पहले दिमित्री था अकेला, अब आ गया है इसको सपोर्ट देने के लिए थिवा कैरेक्टर। अब ये क्या करता है, 0.8 में ही 0.9 में ही अपने टीममेट को रिवाइव दे देता है। सामने वाला मार मार के पागल हो जाएगा, आपके टीममेट्स रिवाइव होते रहेंगे। रीजन नंबर टू इसको यूज करने का, पहले हम एक एक्टिव स्किल लेके आ सकते थे तो हम अपना फेवरेट जैसे कि क्रोडो हो गया या फिर वुकोंग, आलोक ये सब लेके आते थे, बट अब हमारे पास दो है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाले में हम दिमित्री को भी ले आते जिससे हमारी टीम को बहुत ही बेनिफिट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जहाँ पे शॉर्ट रेंज की फाइट चल रही है और मेरे एक टीममेट ने दिमित्री को ऑन कर दिया। आप सिर्फ ऊपर जहाँ पे हमारे टीम के प्लेयर्स दिख रहे उस पे नजर रखना, ये नॉक हुआ ऑटोमेटिक रिवाइव हो गया, किसी ने इसको रिवाइव नहीं दिया, फिर से नॉक हुआ फिर से रिवाइव हो गया, फाइट चल ही रहा है, हम फाइट कर ही रहे, हमारे टीममेट्स नॉक हो रहे, हमारे टीममेट्स फिर से रिवाइव हो जा रहे, किसी को रिवाइव देने की जरूरत नहीं है। और ये 12 सेकंड तक चलता है, तो 12 सेकंड के बाद अपना दूसरा टीममेट इसको चला देगा। मस्त प्लान है। तो अपने टीम के दो प्लेयर्स के पास दिमित्री होना चाहिए। अब अगर सामने वाले दिमित्री कैरेक्टर लेके खेल रहे तो अब हम उनसे कैसे बचे, वो भी तो रिवाइव हो सकते, जो टिप्स हमारे पास है वो उनके पास भी तो है, दिमाग तो वो भी लगा रहे। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इससे बचने का भी तरीका। लेकिन बढ़ते हमारे सेकंड कैरेक्टर, जो कि इस के बाद इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। उस कैरेक्टर को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक दो नहीं बल्कि इतने सारे फायदे देता है ना, एनिमी पागल हो जाएगा, बावला हो जाएगा कि ये सामने वाला प्लेयर कर क्या रहा है। इस वाले कैरेक्टर का नाम है तत्सुया, जिसको आप 3 लगातार यूज कर सकते हो। इसका यूज बहुत जगह पे होता है। नंबर 1, अगर आपका शॉर्ट रेंज का फाइट चल रहा है तो आपने एनिमी को कुछ डैमेज दिया, जब वो डैमेज देगा आप दौड़ के उसके पार चले जाओ, फिर से उसको मारो, फिर से उसने डैमेज दिया फिर से दौड़ के उधर चले जाओ फिर से उसको मारो, ऐसे करके आप किसी भी एनिमी को मार सकते हो। नंबर 2, अगर आपके पीछे 3-4 प्लेयर पड़ गए, आपकी फट के 64 हो गई, आपका टीम आपके पास नहीं है, तो एनिमीज को कंफ्यूज करके स्पीड में रन करके आप वहां से भाग सकते हो। अगर आप जोन में फंस गए हो तो भी इस कैरेक्टर का यूज करके आप जोन से निकल सकते हो, क्योंकि आपको पता है CS के अंदर जोन कितना डैमेज देता है, 50-50 का डैमेज देता है, बट इसको यूज करने से आप डायरेक्ट जोन के बाहर। इसी के साथ आप इसका यूज कर सकते हो जब आप एनिमी को पीछे से मारने के लिए जाते हो, मतलब आपके 3 प्लेयर सामने से जाते होते हैं, उनका ध्यान आपके 3 प्लेयर्स पे रहेगा और आप पीछे से जाके उनको इजीली मार दोगे, तो जब आप पीछे की ओर जाते हो ना तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ऐसे जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसको यूज करके जा रहा हूँ जिससे कि मैं जल्दी पहुंचूंगा और पीछे से उनको मार पाऊंगा। तो 4 यूज तो मैंने ऐसे बता दिए, बट आप इसको कैरेक्टर्स के साथ और बढ़िया से यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप तत्सुया को होमर के साथ यूज करते हो, तो आपने होमर छोड़ा एंड वो जैसे ही ड्रोन जाके फटता है, मतलब फटने का वेट मत करना, जैसे आपने ड्रोन छोड़ा, ड्रोन के साथ साथ आप इसकी स्पीड को लेके जा सकते हो, ड्रोन भी जा रहा है आप भी जा रहे हो, जैसे ही बंदे वहाँ पे फ्रीज हो गए, रुक गए, उनकी स्पीड कम हो गई, आप इजीली उनको मार सकते हो। तो ड्रोन के साथ साथ जाने के लिए भी ये कैरेक्टर आपको हेल्प करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, मेरी शब्दों पे बच जाओ, आप गेम प्ले देखो और मेरी भावनाओं को समझो। अब अगर आप होमर यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ मोको मस्ट यूज करना, क्योंकि आपको पता रहेगा कि होमर जाके कहाँ फटा है। जहाँ पे भी होमर जाके फटेगा उसको 24-25 का डैमेज पड़ता है, वहाँ पे मोको एक मार्क दे देगा और आप तत्सुया से बिल्कुल स्पीड से जा सकते हो। तो होमर के साथ मोको भी यूज करना। अब आप तत्सुया के साथ और कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर सकते हो? आपकी टीम में 2 प्लेयर को तो दिमित्री लेना है थिवा के साथ, जिससे कि वो रिवाइव दे पाए जल्दी और शॉर्ट रेंज की फाइट में दिमित्री ऑन करके बढ़िया फाइट ले पाए। लेकिन बाकी के जो प्लेयर है वो तत्सुया के साथ ले सकते हो वुकोंग, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर था अपडेट से पहले भी, अपडेट के बाद भी। आप वुकोंग को लेके भी अगर ऐसे जाओगे ना और आप तत्सुया को यूज करोगे तो वुकोंग भी फास्ट मूव करेगा, तो आपका फाइट चल रहा है आपको ज्यादा डैमेज पड़ेगा, तो आप वुकोंग लेके फिर तत्सुया का यूज करके स्पीड से वहां से भाग सकते हो। अब एक और कैरेक्टर जो कि फ्री में हम सबको मिला था, ओरियन कैरेक्टर,
ये भी ओवर पावर कैरेक्टर है, ना आपको कोई डैमेज दे पाएगा, ना ड्रॉप से पड़ेगा डैमेज, ना जून से पड़ेगा, तो इसको भी आप तत्सुया के साथ यूज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सेकंड स्लॉट में जो भी यूज करो, लेकिन तत्सुया का यूज बिल्कुल मस्ट है, इसको आपको करना ही है। पता नहीं कब इसके स्किल को बदल दिया जाए, जब तक है बहुत बढ़िया है, ओवर पावर है, इसका यूज तो बिल्कुल करो यार। अब मुझे पता है आप इन सारे कैरेक्टर से परेशान होंगे, क्योंकि डुओ एक्टिव स्किल में सब कैरेक्टर के ही दम पे गेम को जीत रहे, 90% उनका कैरेक्टर ही उनको गेम जिता रहा है। बट एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो कि सारे कैरेक्टर को खत्म कर सकता है। जी हाँ, दिमित्री, ओरियन, कोई भी कैरेक्टर उसके सामने वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो सामने वाले के स्किल को ब्लॉक कर देता है, वो कोई भी स्किल का यूज नहीं कर पाता है, वो भी 30 सेकंड के लिए। इसका नाम है A124। आपके 8 मीटर के रेंज में जो भी एनिमी होगा उसका स्किल ब्लॉक हो जाएगा जब आप इसको यूज करोगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मेरा स्किल ऐसे ब्लॉक हो चुका है, अब मैं किसी भी एक्टिव स्किल को यूज नहीं कर सकता। तो आप इसको भी तत्सुया के साथ या फिर जिसके भी साथ लेना चाहते हो लेके जा सकते हो गेम के अंदर। एनिमी जैसे ही दिमित्री लगाने वाला होगा, आप इसको लगा देना, वो कोई भी दिमित्री विमित्री किसी का भी यूज नहीं कर पाएगा। तो यार बेस्ट कैरेक्टर्स भी बता दिए और कैरेक्टर से बचने का तरीका भी बता दिया डुओ एक्टिव स्किल्स में। आई होप अब से आप जीतने वाले हो, और इसी के साथ थोड़ा बहुत गेम प्ले भी मैटर करता है, तो प्रैक्टिस वगैरह करो। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है सीएस रैंक के ऊपर कि कैसे आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो, और भी अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दबा दो इस पे और जाके देखो, एंड वीडियो को लाइक कर दो। आपको जैसा कि मैंने बताया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब से हम रेगुलर वीडियोस डालने वाले हैं। और कमेंट में बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय एंड लव यू ऑल।